बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के लेक्चर नंबर 17 में मैं आपकी ऑनलाइन टीचर बिशरा जीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये लेक्चर बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर है क्योंकि ये एक एनिमेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक स्नोफॉल एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में, सॉरी, फोटोशॉप में बना सकते हैं। ठीक है, हम इस वक्त मौजूद हैं एडोबी फोटोशॉप CS6 के इंटरफेस पर। ठीक है, ये ओपन है मेरे पास। सही, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंटरनेट से हम कोई ऐसी पिक्चर ले लेंगे जो कि मैरी क्रिसमस बैकग्राउंड हो, क्योंकि आपको पता होगा क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है जो कि यूरोप और अमेरिका में दिसंबर में, पूरी दुनिया में दिसंबर में आता है, और दिसंबर में आपको पता है स्नोफॉल का सीजन होता है। तो आप देखें इंटरनेट पर जो जितने भी इमेजेस हैं वो ज़्यादातर स्नोफॉल के इमेजेस उसमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट होता है जो कि इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरह के इमेजेस हम ले लेंगे, उसका एक वॉलपेपर हम एनिमेटेड बनाएंगे। ठीक है, फाइल में जाके ओपन की कमांड पे जाके मैं वो इमेज जो मैंने सेव किया हुआ है वो मैं ओपन कर लूंगी। ठीक है, इमेज फोल्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर मैं उस फोल्डर की लोकेशन पे जा रही हूँ। ठीक है, ये इमेज हमारा मौजूद है। सही, इसको हम ओपन कर लेंगे, ये हमारा इमेज है। सही है, इसमें सबसे पहले तो हम अगर चाहें तो मैरी क्रिसमस का हम इस पर मैसेज लिख देते हैं। एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको हम थोड़ा बिग इफेक्ट दे देंगे। ठीक है, ये आप देखें नज़र नहीं आ रहा था मुझे, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। MARRY, मैरी क्रिसमस। ठीक है, इसका कलर हम कर देंगे रेड। ठीक है, और इसको जो है ड्रॉप शेडो थोड़ा सा देंगे। और स्ट्रोक दे देंगे वाइट कलर का, थोड़ा सा स्ट्रोक साइज को हम बढ़ाएंगे ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ से एनिमेशन का काम हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोसेस ये है कि हम एक नई लेयर ले लेंगे, चाहे तो आप यहाँ से सॉलिड लेयर ले लें। इसका कलर हम ग्रे कर देंगे। ठीक है, ग्रे कलर का हमने इस तरीके से ग्रे कलर हमने ले लेना है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हम ये कलर जो है लेयर पर फिल कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर, नॉइस और ऐड नॉइस। जैसे कि आपको पता होगा कि ये वो फिल्टर है जिसके जरिए से लेयर के अंदर नॉइस यानी के जो डॉट्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अमाउंट को हमने 300 पे रखना है, गॉशियन पे और मोनोक्रोमिक पे चेक लगाना है। गॉशियन को रेगुलर ये बटन को, रेडियो बटन को ऑन रखना है और ओके कर देना। ठीक है, तो ये हमारी लेयर पे जो है ये अप्लाई हो गया। ये जो मोनोक्रोमेटिक है और नॉइस है ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड लेयर पर, सेकंड स्टेप पर जाएंगे, फिल्टर पे जाके ब्लर पे जाके गॉशियन ब्लर। ठीक है, इस पर हम जाएंगे, ये हमारे इसको, इस पिक्सल्स को स्मूथ कर देगा। 2 पिक्सल जो है वो हम इसको रखेंगे। ठीक है, 2 पिक्सल करके ओके कर देंगे। इसके बाद हमने जाना है इमेज एडजस्टमेंट पे और लेवल्स पे। ठीक है ना, लेवल्स कमांड को हम क्या करेंगे, यहाँ का जो स्लाइडर है इसको चाहें तो हम ड्रैग करके भी कर सकते हैं सेट, और चाहें तो हम इसको वैल्यू देके भी कर सकते हैं। 150 यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर लिखनी है 180। ठीक है जी, और ओके कर देना। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पे एक डॉट का इफेक्ट आ गया, ये स्नोफॉल का बेसिकली इफेक्ट है। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर, अदर्स एंड ऑफसेट। फिल्टर पे जाके अदर पे जाएंगे और ऑफसेट पे जाएंगे। ठीक है, और इसका भी जो अमाउंट है वो हमने
हॉरिजॉन्टल को 0 पे करना है, वर्टिकल को 120 पे करना है और रैप अराउंड पे क्लिक करके ओके करना है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अपना वाटरफॉल का सॉरी स्नोफॉल का जो एनिमेट इफेक्ट है वो हमने बना लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं है। वैसे तो ये एक तरह से सही है क्योंकि स्नोफॉल में भी जाहिर है कि कोई बिल्कुल एक्यूरेट डॉट हमें नहीं दिखाने, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से हम जो हमें लग रहा है कि जो एक्यूरेट नहीं है डॉट्स हम उसको रिमूव कर देंगे। इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम आ रहे हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे, ठीक है। ये हमने क्लिक कर लिया, यहाँ से हमें जहाँ जहाँ लग रहा है कि इतने स्मूथ नहीं आ रहा है तो हम ये ब्रश टूल का साइज थोड़ा सा बड़ा करके हम उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इसकी नीड है वहाँ वहाँ मैं कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आपने रिमूव नहीं करना है। ठीक है जनाब, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हम इसको एक पैटर्न बनाएंगे, यानी कि जो हमने ये स्नोफॉल बनाई है इसको हम एक पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए हम एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न की कमांड पे जाएंगे और इसका नाम रख देंगे स्नोफॉल। ठीक है, ये मैंने स्नोफॉल 23 के नाम से रख दिया है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे एक नई लेयर पर, ठीक है ना, एक न्यू लेयर हम लेंगे। इसमें हम करेंगे ब्लैक कलर फिल, ठीक है ना, पूरा ब्लैक कलर हम इसमें फिल कर देंगे। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हम कलर इस पे फिल कर दिया, ठीक है। इसकी फिल की जो ओपेसिटी है इसको हमने कर दिया 0, सही है। अब यहाँ पर आकर हम अपने स्नोफॉल को इस पे जो है वो लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हम नीचे जो ये ड्रॉप डाउन है यहाँ पर हम ले आएंगे पैटर्न ओवरले, ठीक है, पैटर्न ओवरले लेकर आएंगे। यहाँ पर जो हमने पैटर्न सेव किया हुआ है वो मौजूद होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने प्रीवियसली सेव किया था, ठीक है। ये जो है ये पैटर्न हम ले आएंगे, सही है, ये हमारा आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी जो इस मोड है इसको हम स्क्रीन कर देंगे, ठीक है ना, स्क्रीन कर देंगे तो क्या होगा, बल्कि स्क्रीन यहाँ से नहीं करेंगे, स्क्रीन इसको यहीं पे नॉर्मल रहने देंगे और यहाँ पे जो हम पैटर्न ओवरले है इसको ओपन करके यहाँ से हम इसकी मोड को स्क्रीन कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे इमेज में जो है ये वाइट वाइट से डॉट आ गए हैं जो स्नोफॉल का लुक दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमने देखे एक स्नोफॉल तो हमने बना ली, सही है। यहाँ पर हम इसका नाम भी रख देते हैं स्नोफॉल, ठीक है। अब एंटर की प्रेस की, ये हमारा स्नोफॉल बन गया। अब हमने एक और काम करना है कि इसको करना है एनिमेट। एनिमेट करने के लिए आप तो दो तरीके हैं, या तो आप वीडियो टाइमलाइन पे बना लें या तो फ्रेम बाय फ्रेम पे बना लें, ठीक है ना। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता होगा कि एक फ्रेम एनिमेशन आती है और एक वीडियो एनिमेशन आती है। मैं फ्रेम एनिमेशन को क्लिक करूँगी, सही है, फ्रेम एनिमेशन को क्लिक करूँगी तो यहाँ पर हमारा जो है वो फ्रेम्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं तकरीबन 5 तक फ्रेम ले आऊंगी, सही है। अब यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होंगे कि एनिमेशन का जो सबसे पहले हम टाइम सेट करते हैं 0.5, सब पे हम एक ही टाइम सेट करेंगे 0.5, सबको मैं टाइम जो है एक ही दे रही हूँ। बाद में टाइम को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर हमें लगे एनिमेट सही नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पर पहले फ्रेम पर हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है। सेकंड फ्रेम पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हम कंट्रोल टी से इसको बिग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक पैटर्न है, सही है। हम कंट्रोल टी से मैं इसको जो है वो बिग कर रही हूँ, कंट्रोल माइनस करके आप देखें
ये मेरा इमेज है, ठीक है, मैंने इसको बिग कर दिया। ये एंटर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस करके दोबारा से हम जूम इन हो जाएंगे और यहाँ से जो है थोड़ा सा हम मूव टूल से इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेकर आते हैं तो देखिए ये इस तरह हो रहा है, यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फ्रेम 3 को क्लिक किया है और मैं मूव टूल से इसको थोड़ा सा और नीचे कर रही हूँ, ठीक है। 4 पर आकर मूव टूल से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही हूँ और 5 पर आकर थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है, पहले यहाँ ले आते हैं और अब प्ले करके देखते हैं। जीरो पॉइंट टू सेकेंड हम करके देखते हैं, टाइम बहुत ज्यादा तेजी में जा रहा है। और इसको वंस के बजाय हम करते हैं फॉर एवर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि चलती रहेगी एनिमेशन, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या किस तरह की एनिमेशन है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये देखें, ये देखिए एक स्नोफॉल का लुक इसमें आ रहा है, सही है। तो थोड़ा सा हम इसका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ाते हैं, 1 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, 1 सेकंड करके देखते हैं। 1 सेकंड हुआ है, फॉर एवर, हाँ ये देखें जबरदस्त, ये जो है ना ये स्नोफॉल का जो है वो लुक हमने दे दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा फास्ट जा रही है एनिमेशन तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगी और सबका टाइम जो है 0.2 सेकंड हम करके देखते हैं, ठीक है। इसका भी टाइम हमने 0.2 कर दिया, इस फ्रेम का टाइम भी हमने 0.2 कर दिया। ये बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आप प्ले करके देखते हैं, ठीक है, आप ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है स्नोफॉल का इफेक्ट जो है वो हमारा आ रहा है, सही है। हम चाहें तो इसका जो है टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा के, जितना ज्यादा हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे हमारी एनिमेशन उतनी स्लो हो जाएगी। 0.5 करके देखते हैं तो आप देखें और ज्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है, ये आप करके देख लें, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी 0.5 में। अब मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ आपको स्टार्ट से, ठीक है, स्टार्ट से हम करके दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, ठीक है। तो आप बेहतर ये है कि 0.2 पे आप इसका, मेरा मुझे लग रहा है कि परफेक्ट टाइम 0.2 है, ठीक है। तमाम जो आप वो करेंगे उनको 0.2 पे ही रखिएगा, ठीक है, तो एक ज्यादा अच्छा लुक आएगा। आप फॉरएवर करके मैं स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर लग रही है। तो होपफुली आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, और इसमें आप देखें तो ज़्यादातर जो है वो बेसिक ही सब इफेक्ट्स हैं, मतलब फिल्टर, ब्लर, गॉशियन पे हम काम कर चुके हैं, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आएगा कि किस तरीके से हम इसको एनिमेट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, फिल्टर ब्लर और फिल्टर ये जो हमने किया नॉइस का जो इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, हम इसको जरा स्टॉप करते हैं। हम अगर चाह रहे हैं कि अपने इमेज में हम और ज्यादा जो है वो एक स्नो का लुक दिखाएं, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लरनेस मुझे लग रहा है कि चाहिए होगी हमें, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर पर हम ब्लैक एंड व्हाइट, फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखेंगे, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक और फोरग्राउंड को व्हाइट रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हम कलर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आकर एक और फिल्टर हम अप्लाई करेंगे, फिल्टर रेंडर और क्लाउड, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा इमेज क्लाउडी सा हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे, 41 पर ले आएंगे, तकरीबन 41 पर आप ले आए,
ठीक है, 41 पर ले आएंगे और एक और इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे और वो होगा जनाब हाँ, इस पे एक और इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे, वो यहाँ से इसका जो कलर मोड है वो सॉफ्ट स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये एक और जो है बेहतरीन सा एक इफेक्ट हो गया है हमारे इमेज में और नेचुरल लुक आ गया है। आप प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये चाहती हूँ कि इतनी मेहनत से मैं ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सीखना चाहते हैं एनिमेशन को, फोटोशॉप पे स्पेशल इफेक्ट सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और ये आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है वो मेरे ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और होपफुली कि इंशाल्लाह आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information.